हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। नोएडा में सार्वजनिक पार्कों में नमाज पढ़ने से रोकने का मुद्दा रफ्तार पकड़ चुका है। बसपा, सपा, प्रसपा, सुभासपा जैसे तमाम राजनीतिक दलों के विरोध जताने के बीच कांग्रेस ने भी नमाज संबंधी सरकारी फरमान पर आक्रोश जताया है। कांग्रेस ने सार्वजनिक पार्कों में बिना अनुमति संचालित होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शाखाओं पर सवाल उठाते हुए सामाजिक विघटन के विचार थोपने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के निर्देश पर विचार विभाग से संयोजक संपूर्णानंद पुलिस महानिदेशक द्वारा लिखे गए उस पत्र पर ऐतराज जताया है, जिसमें सभी संस्थानों व कार्यालयों को निर्देश दिए गए कि उनके यहाँ कार्यरत कर्मियों को परिसर के भीतर और बाहर स्थित सार्वजनिक पार्कों में नमाज पढ़ने से रोका जाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में सार्वजनिक पार्कों में अनुमति लिए बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा पुलिस द्वारा पार्कों में नमाज पढ़ने से रोकने को कहा गया, जबकि कहना चाहिए था कि बिना अनुमति किसी समुदाय को धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियां नहीं करने दी जाएं। भाजपा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश भी इसे गलत बता रहे हैं। सपा की नज़र में सरकार का जनता के प्रति एक समान व्यवहार नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।